नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवीडिया न्यूज। डीडीपीएस संजय नगर सेक्टर 30 द्वारा बच्चों को मधुबन बापूधाम ब्रांच में भेजने के निर्णय पर अड़े रहने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश न दिए जाने पर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने कविनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। संगठन के पदाधिकारियों ने शिकायत करते हुए स्कूल पर कार्रवाई की मांग भी की थी। इसी के चलते जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गाजियाबाद पेरेंट्स संगठन ने स्कूल के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष सीमा त्यागी का कहना है कि अभिभावक पूरे बच्चों को दाखिल डीडीपीएस स्कूल संजय नगर सेक्टर 23 में कराया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन अब उन्हें स्कूल में निर्णय की बात कहकर अपनी दूसरी ब्रांच में भेजने की बात कर रहा है, जो कि दाखिले के समय जानकारी अभिभावकों को नहीं दी गई थी। 10 अप्रैल व 11 अप्रैल को स्कूल प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य सेक्टर 23 चौक इंचार्ज के वार्ता के बाद अभिभावकों को लेटर हेड पर लिख कर दिया गया था कि किसी भी बच्चे को दूसरी ब्रांच में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अब चुनाव के बाद स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को दूसरी ब्रांच में भेजने के लिए बस रूट निर्धारित कर मैसेज भी भेज रहा है, लेकिन इसमें एडीएम सिटी और एसपी के आदेश को देहरादून पब्लिक स्कूल ने दरकिनार कर दिया है। गाजियाबाद पेरेंट्स संगठन और पीजीए पेरेंट्स स्कूल के गेट पर न्याय के लिए धरने पर बैठे हैं। कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछना था वो हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग देखो कितना भावुक है बच्चा है, कितने बच्चे ने भावुक कर दिया और भावुक हो गया। इसकी फीलिंग को हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं स्कूल में, ये बोले कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा हमारे साथ। आप स्कूल प्रशासन ये तो समझिए, जिस बच्चे का फ्यूचर आपके पास आपने बनाने के लिए आपके पास किस विश्वास से उनके गार्जियन ने एडमिशन लिया था, जो कभी आपके सामने बोलना नहीं चाहता।